Hey everyone, welcome back to the channel. So guys, आज की जो वीडियो है दैट इज़ अबाउट टैंक रैपिंग. बेसिकली बहुत प्लेन टैंक था मेरा, मेरे को मज़ा नहीं आता था. ऑलमोस्ट 4 साल हो गए ऐसे बाइक चलाते हुए. सो थोड़ा सा कुछ चेंज करना था, तो मैं अब इसके ऊपर कार्बन फाइबर की जो टेप है वो चढ़वा रहा हूँ. तो आपको एक पूरा एक उसका वॉक अराउंड दिखाते हैं कि कैसे सारी की सारी टेप जो है वो लगाने के बाद लगती है एंड क्या लुक आती है उसकी फाइनल में. तो पूरा काम करते हुए की वीडियो दिखाता हूँ आपको एंड देन फिर जो फाइनल लुक आएगी उसकी वीडियो दिखाता हूँ. वीडियो के साथ बने रहे और वीडियो आके तक देखें. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसको प्लीज़ दबा दें एंड जो उसके बाद बेल आइकन आता है उसको भी दबा दें ताकि आपको जो भी मेरी अगली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आ जाए सबसे पहले. सो गाइज, आप लोगों को एक हिंट अप दे देता हूँ कि आपको इस शॉप पर आना कैसे है. तो गाइज, ये जो रोड है ये नाय वाला रोड कहते हैं इसको. तो गाइज़, इस तरफ जो रोड है वो हनुमान मूर्ति की तरफ से आ रही है बेसिकली, और यहाँ पे आपका गफार मार्केट की तरफ रोड जाती है. तो बीच में आपका कन्वर्ट टायर्स आएगा राइट साइड पे. जब आप उधर से आ रहे होंगे तो आपने वहाँ से राइट मुड़ना है एंड उसके बाद सबसे पहली जो गली है, आप जैसे मुड़ेंगे तो आपके लेफ्ट साइड पर सबसे पहली गली है, वो छोड़ के आपने जो दूसरी वाली गली है उस गली के अंदर मुड़ना है. और थोड़ी सी ही अगर आप आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पे राइट साइड पे दिख जाएगा जो ग्राफिक पॉइंट है. सो गाइस, यहाँ पे आपको ये वाली शॉप दिख जाएगी. ये मैं पीछे रोड से आया, वहाँ से रोड से आए हम लेफ्ट हुए अंदर एंड थोड़ी सी अंदर है, ऑलमोस्ट 10 दुकानें छोड़ के आपको यहाँ पे जो है शॉप दिख जाएगी. सो गाइस, इसका जो टैंक है वो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर एजेस हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है. बट हमारे यहाँ पर उस्ताद जी हैं तो इन्होंने हमें वादा करा है कि ये जो पूरी टेप लगाएंगे ये सिंगल पीस के अंदर लगाएंगे जिसमें ताकि कोई भी हमें जॉइंट नज़र ना आए. एंड आई होप, मैंने इनका काम देखा है गाइस, बहुत ही अच्छा काम करते हैं. और जब भी आप यहाँ पे आए काम कराने तो इनकी डिमांड होनी चाहिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनकी डिमांड होनी चाहिए क्योंकि ये आपका काम बहुत ही अच्छे तरीके से करके देंगे. सो देखते हैं गाइस, ये कार्बन फाइबर लुक की मैं जो टेप है वो लगवा रहा हूँ पूरे टैंक के ऊपर. सो कैसी लगती है आप वीडियो आखिर तक देखें, तब आपको पता चल जाएगा. सो गाइज, फाइनली वी आर एट होम. रात को काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था तो मैं आपको एक्चुअल में जो मैंने ये लगवाया था ये एक्चुअल में नहीं दिखा पाया था क्योंकि उस टाइम अगर मैं आपको दिखाता तो ना आपको फिनिशिंग दिख पाती ना आपको एक्चुअल में क्लैरिटी आ पाती. सो मैंने ये चीज़ सोची कि आज सुबह शूट करेंगे. सो सुबह हो गई है एंड मेरे को तो देखने में बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ही क्लीन तरीके से लगाया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में. सो मैं आपको पहले एक इसका क्लोजअप दिखाता हूँ फिर थोड़ी सी और बात करता हूँ.
सो गाइज आप लोगों ने देख लिया, काफ़ी ज़्यादा क्लीन लगा है जो ये लगा हुआ था एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट इसके अंदर अभी मुझे एक प्रॉब्लम लग रही है क्योंकि ये हमने लगाना था तो इस वजह से हमें यहाँ का टैंक पैड उतारना पड़ गया था एंड देन हमें ये जो फ्यूल कैप था ये भी उतारना पड़ गया था क्योंकि हमें चीज़ बिठानी थी। तो यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा क्लीन है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कोई फालतू की चिकचिकबाजी नहीं है। अब मेरे को इसके ऊपर टैंक पैड बेसिकली फ्यूल कैप लगाना है यहाँ पर एंड देन यहाँ पर टैंक पैड लगाना है। प्लस ये जो हिस्सा है ना ये थोड़ा सा प्लेन लग रहा है अभी, तो इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ कुछ थोड़ा सा डिज़ाइनिंग के बारे में सोच रहा हूँ। एंड गाइज अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने ये पूरा का पूरा फ्रंट लगवाया था, तो इस अगर वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे मैंने ये लगवाया और इसकी मेरे को कॉस्टिंग क्या आई, आपको ही पता चल जाएगा अगर आप ऐसा ऐसा कुछ कराना चाहते हैं। देखने में बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहा है। सो गाइज़ इसका एक टैंक पैड लगाने का क्या प्रोसीजर होता है, कैसे लगाया जाता है, फ्यूल कैप कैसे लगाया जाता है, वो मैं आप लोगों को अलग से एक वीडियो दे दूंगा जिससे आप लोगों को भी आसानी हो जाए कि अगर आप कहीं से टैंक पैड खरीदते हैं या सपोज़ आपको कहीं से एक गिव अवे मिलता है और आप वो टैंक पैड लगाना चाहते हैं देन आपको तरीका पता होना चाहिए कि यार लग कैसे रहा है। सो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही, आई होप यू हैव अ ग्रेट टाइम वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप कुछ ऐसा कराना चाहते हैं जहाँ से मैंने कराया है ग्राफिक पॉइंट से, उसका एड्रेस और नंबर जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके उससे बात कर सकते हैं। और आप भी कुछ ऐसा सा रैपिंग करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। अब आज की डेट में अगर मेरी बाइक को अगर आप देखेंगे तो बाइक इस तरीके से लग रही है, तो ये डिकेल किट्स भी मैंने अलग से लगवाई थी, इसकी वीडियो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कहाँ से ये लगी, कैसे लगी, कितने की लगी, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा उससे पता चल जाएगा। सो गाइस इट्स बाय फॉर माई साइड, आई होप यू हैव अ ग्रेट टाइम वॉचिंग दिस वीडियो। दुनिया को खुशी देगा इस, आपको भी खुशी महसूस होगी। की स्माइलिंग, गॉड ब्लेस, बाय। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर गुड कंटेंट एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम बॉर्न क्रिएटर।